सो थोड़ी सी नॉलेज आपको देना चाहूंगी। आज मैं शो शुरू करूंगी, मेरे पास यहाँ दो गेस्ट मौजूद हैं और इनसे बेहतर जो रमजान सेलिब्रेशन है जिस तरह इंडोनेशिया में होती है वो कोई और हमें नहीं बता सकता। मेरे पास आज डॉक्टर जून कंचोरो अपनी मिसेज एनी कंचोरो के साथ शामिल हैं यहाँ प्रोग्राम में। आइए मिलकर उन्हें वेलकम करते हैं। Hi, assalamu alaikum. Waalaikum salam. I want to introduce you guys. Okay. Dr. Jun Kanchoro hain, wo 2021 se Indonesian Counselor General hain aur yahan Pakistan mein is haisiyat se serve kar rahe hain. तकरीबन एक दो साल हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, अभी इनको उर्दू नहीं आती, सो यहाँ कुछ ये होगा, मैं इनको इंटरव्यू करूंगी एंड आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि इंडोनेशिया में अगर आप रमज़ान सेलिब्रेट करते हैं तो कितना डिफरेंट है वो पाकिस्तान के रमज़ान से या और दूसरे ममालिक से जहाँ आपने अभी तक रमज़ान सेलिब्रेट किया है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ योर मंथ ऑफ रमज़ान गोइंग सो फार इन पाकिस्तान? इट्स डिफरेंट फ्रॉम योर इंडोनेशिया कंट्री? Yes, of course, because we are different country, there's some differences, but as Muslim country and Asian country, I think we have similarity. It's like a family event. We stay at home. But here the difference is, yeah, we see people fasting break even in the sidewalk. Yes. Yeah, that charity, we are so surprised. We have also the similar activity, but mostly we are doing indoor. Indoor, okay. Indoor, yeah. You just do your sehri and iftari indoor in your house. Yes. But you have yes. seen people here like... In house or in the mosque? Yeah. In the mosque. Yeah. And you have seen people here yeah. Like doing iftari on the road? Yeah, 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 it's, very, yeah. it's very fun. It's very mm-hmm. like down to earth. And it's very, really feel the festive. We surprised. मैंने इनसे सवाल किया, मैंने इनसे पूछा कि आपको पाकिस्तान में और इंडोनेशिया में डिफरेंस क्या लगता है रमज़ान में, तो कहने लगे हमें पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैंने सड़कों पे लोगों को अफ्तारी करते हुए देखा है और एक साथ मिलकर सब अफ्तारी कर रहे होते हैं, सो वो एक बहुत फेस्टिविटी और फन चीज़ लगती है जो कि हमें इंडोनेशिया में नज़र नहीं आती। इंडोनेशिया में इनडोर सब अपने अपने घरों में अफ्तारियाँ कर रहे होते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।